तो वेलकम है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं झारखंड बोर्ड स्टेट टॉपर की कॉपी। ठीक है, देखिए जैक लिखा है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड, और यह पेपर है 2015 में एग्जाम हुआ था। फर्स्ट टॉपर की कॉपी मैं दिखा रहा हूँ, जो झारखंड में फर्स्ट टॉप किए थे। ठीक है, तो देखिए 2015 इंग्लिश का पेपर है, इसके बाद मैं सभी सब्जेक्ट के पेपर दे दूंगा। तो ये है 2015 प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था। यहाँ पे देखिए पंजीयन संख्या लिखा था, फिर आपका रजिस्ट्रेशन वर्ष 2013 था इनका, यानी 2013 में ये 9 क्लास में थे। आगे देखते हैं, तो फिर रोल कोड यहाँ पे लिखा होता है जो कि स्कूल का होता है, फिर रोल नंबर आपके, ये सभी एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे। किस लिपि में आप लिखते हैं, तो ये इंग्लिश का पेपर था तो इन्होंने रोमन में लिखा है। ठीक है, तिथि देखिए, तो किस दिन को एग्जाम हुआ था, यहाँ पे लिखा है कि 21 फरवरी 2015 को एग्जाम हुआ था। फर्स्ट सिटिंग यानी कि 10 से 1 बजे के बीच में इनका एग्जाम हुआ था, और यहाँ पे कॉपी नंबर लिखा होता है। अगर कभी आप कॉपी चेक करवाना चाहते हैं, जिसको स्क्रूनटी बोला जाता है, तो ये कॉपी नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर से भी पता कर सकते हैं स्क्रूनटी के लिए। तो ये हो गया, और इनको देखिए फुल मार्क्स था 100 में से उस टाइम इनको 100 में 98 नंबर मिले थे। दोस्त 100 में 98 नंबर मिलेगा ना तो कोई भी आदमी टॉप कर जाएगा, मेरे यहाँ 97 ही थे, इनके तो 98 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, तो देख लेते हैं कॉपी। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 घंटा समय दिया जाता है आपको, फुल मार्क्स 100 और पास करने के लिए 33 नंबर लाना था। देखिए पहले पूछा गया था इनको, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया था, और यहाँ पे बोला गया है कि 20 मार्क्स सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का है, फिर सेक्शन बी जो है आपका ये भी 20 मार्क्स का है, सेक्शन सी 15 मार्क्स का है, सेक्शन डी 45 मार्क्स का है, और पूरा पेपर कंप्लीट। तो सेक्शन ए जो कि 20 मार्क्स का था, ठीक है, इसमें आपको रीडिंग करना है पैसेज को और इसका आंसर देना है। तो आइए देखते हैं इसमें इनको कितना मिला है। तो देखिए राइटिंग तो इनका एक नंबर है जी ना, इनको 8 मार्क्स मिल गया है। इसमें कितने मार्क्स का था, तो टोटल था 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 में से 8 मार्क्स इनको पूरा का पूरा यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी ये आपका है, ये भी है आपका कितने मार्क्स का, तो 2 यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 12 मार्क्स का पैसेज है, और इसमें इनको 12 में से कितने मार्क्स मिले हैं, तो 12 में से 12 पूरे के पूरे मिल गए हैं। ठीक है, तो इनका 20 मार्क्स तो यहीं पे आ गया। ठीक है, यानी कि सेक्शन ए 20 मार्क्स का था, 20 में 20 मार्क्स इनको पूरा का पूरा मिल गया है। सेक्शन बी में देखते हैं, ये भी 20 मार्क्स का था, इसमें इनको क्या करना था कि बोला गया कि राइट अ लेटर टू योर अंकल, ठीक है, थैंकिंग हिम फॉर अ नाइस बर्थडे गिफ्ट इन अबाउट 100 वर्ड, 100 वर्ड में लिखना था एक लेटर अपने चाचा के पास कि उनको उनके जन्मदिन पे एक अच्छा सा तोहफा दिए थे, या फिर इनको लिखना था कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ प्रभात खबर रांची अबाउट द, क्या है, अबाउट द, एक मिनट यार दिख नहीं रहा है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया, ठीक है, इन अबाउट 100 वर्ड। तो 100 वर्ड में लिखना था, 8 मार्क्स का था इनका ये। देखिए ये जो है इसमें इनको कितने मार्क्स मिले हैं, तो इस लेटर में इनको 8 में से 8 मार्क्स पूरा का पूरा मिल गया है। ठीक है, जबकि इन्होंने गलत भी किया है, यहाँ पे काटा उटा भी है, तो एक मार्क्स काटना चाहिए यार, इतना मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको भी मिल जाएगा इसी तरह से। तो 8 में से 8 मार्क्स पूरा मिल गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इनको बोला गया है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में लिखना है इनको, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए पैराग्राफ लिखना है, पहला है एन आइडियल टीचर, एक आदर्श शिक्षक के ऊपर, या फिर सीजन यू लाइक मस्ट, और तीसरा था क्या है कि स्कैन एट रेलवे स्टेशन, तो एक रेलवे स्टेशन का बताना था, या फिर एक आइडियल टीचर, तो इन्होंने लिखा है एन आइडियल टीचर के ऊपर इन्होंने, और इनको कितने मार्क्स मिले हैं 4 में, तो 4 में इनको 4 मार्क्स पूरा दे दिया है, 4 में 4 मार्क्स पूरा। तो अभी तक तो इन्होंने पूरा का पूरा मार्क्स लाया है। आगे देखिए, तो ये 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया है कि रिसेंटली यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे इन योर स्कूल, राइट अ पैराग्राफ
ठीक है, रिपोर्टिंग टू सेम इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। तो 80 शब्दों में लिखा जाना है, 8 मार्क्स का है, इनको 8 में से 6 मार्क्स मिले हैं, यहीं पे इनको 2 मार्क्स काटा गया है। ठीक है, कितने मार्क्स काटा गया है? 2 मार्क्स, 8 में 6 मार्क्स मिले हैं, बाकी हर जगह ये चौका छक्का मारते गए हैं ना। अब आता है ग्रुप सी, ग्रुप सी देखते हैं। तो ये था 15 मार्क्स का ग्रामर। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इनका था 4:1, ठीक है, अढ़ाई अढ़ाई मार्क्स के थे दोनों, टोटल 4 हैं, और मतलब 0.5 मार्क्स के हैं चारों। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वी वेंटेड डैश हर सॉन्ग, तो वी एंटेड यहाँ पे क्या बोला गया है, टू आपका हियर, वी वेंटेड टू हियर हर सॉन्ग। फिर देखिए बी नंबर में, तो बी नंबर में पूछा गया है इनको, डैश इज इंजोरियस टू हेल्थ, जो है स्मोकिंग, यानी कि जो हमारा तंबाकू वगैरह होता है शरीर के लिए या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर सी नंबर में देखिए और डी नंबर में, मतलब कि 2 में से 2 मार्क्स इनको पूरा का पूरा मिल गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 3 मार्क्स का है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 मार्क्स का। इसमें इनको कितना मार्क्स मिला है, तो इनको यहाँ पे दिया है अनटिल एज और वाइल सेट करना था, इनको इसमें मिल गया है पूरा का पूरा 3 मार्क्स। ठीक है, पूरा का पूरा 3 मार्क्स। इस तरह से देख लीजिए, आपको भी करना है एग्जाम में, तभी आप, अगर आप स्टेट टॉपर या फिर स्कूल टॉप का सपना देखे हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, हम आपकी तैयारी को धार देने में मदद करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है आपका कि ट्रांसलेट बोला गया, सॉरी ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 3 मार्क्स का है, पहला है रिमूव टू, दूसरा है इनटू नेगेटिव, और तीसरा है आपका इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनको 3 में से 3 मार्क्स पूरा का पूरा मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है जी इनका, इनका है 4:1/2, यानी कि अढ़ाई अढ़ाई मार्क्स, सॉरी 0.5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं, और इनको 2 में से कितने मार्क्स मिले हैं, यहाँ पे 2 में से पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिल गया है। फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 2 मार्क्स का है, और खाली स्थान भरना था यहाँ पे गो, ठीक है, वर्ब फॉर्म था इनका और था लिव। इसमें इन्होंने गो का वेंट किया है, सेकेंड वर्ब का यूज किए हैं, फिर लिव का इन्होंने हेड लेफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो इनको 2 में से 2 मार्क्स पूरा का पूरा मिल गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें इनको 3 मार्क्स पूरा का पूरा 3 मार्क्स मिल गया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, देख सकते हैं इधर 3 मार्क्स लिखा हुआ है, 3:1। नेक्स्ट आता है सेक्शन डी, जो कि आपका टेक्स्ट बुक से होता है, यानी कि आपको बुक पढ़ के इसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो यहीं पे आपको मेहनत करना होगा, लिखना होगा ज़्यादा। देखिए सबसे पहले तो आपको एक बुक का, मतलब जो भी आपका बुक है उसमें से किसी एक पैसेज को दे दिया जाएगा किताब से ही, और इसमें आंसर करना होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है और ये एक एक मार्क्स के हैं। पहला है कि हु इज मी हेयर इन द फर्स्ट लाइन, फिर क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इस तरह से इनका ये 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का है, और 5 में से इनको 5 के 5 पूरे के पूरे मार्क्स मिल गए हैं। देख लीजिए, इसी तरह पढ़ लीजिए, आपको अभी लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर में इनका इसी तरह से है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, और ये इनको 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 मार्क्स का है, और 5 में से 5 मार्क्स इनको पूरे के पूरे मिल गए हैं। ठीक है दोस्तों, 24 पेज का पेपर होता है, ज़्यादा तो है नहीं। आगे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपका बुक से है, राइट वाज वेलिस आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर, व्हाट डिड सी डू टू फुलफिल इट, और ये अगर आप इसको नहीं बनाते तो नीचे वाले को भी बना सकते हैं, व्हाट इज द लीजेंड ऑफ टी एज गिवेन इन द चैप्टर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इनको 6 में से पूरा का पूरा 6 मार्क्स मिल गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आता है जो कि 4 मार्क्स का था, इनको देखिए 4 में से कितने मार्क्स मिले हैं, तो इन्होंने तो पूरा पेजे फुल कर दिया है यार ना, तो 4 में से 4 मार्क्स इनको पूरा का पूरा मिल गया है। दोस्तों इसी तरह से आपको भी पेज को फुल करना होगा। अब आता है पोइट्री, ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें देखिए पहला है आपका टोटल 4 मार्क्स का, ये पढ़ के आंसर करना है, रीड द आपका एक्सट्रैक्ट गिवेन बिलो,
थोड़ा सा पढ़ना है और आंसर करना है। चार में से चार मार्क्स पूरे के पूरे मिल गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें 3+3 का फॉर्मूला अपनाया गया था, यानी कि 6 मार्क्स का था, और इनको 6 में से 6 पूरा का पूरा मिल ही गया होगा यार, पूरा 98 नंबर मिला है तो। ठीक है, आपको मेन चीज क्या ध्यान देना है, पेपर देखने का मकसद क्या है, अभी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ, आपको देखिए किसी एक पे कैरेक्टर स्केच लिखने का आएगा ही आएगा, तो इनको 8 में से 8 मार्क्स पूरा का पूरा मिल गया है। और इनका फिर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19, 4 मार्क्स का था, इसमें इनको 4 में से 4 मार्क्स पूरे के पूरे मिल गए हैं। हाउ डिड रीड मैक्स, ये बुक से है, ठीक है, तो 4 में से 4 मार्क्स मिल गया है। फिर अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर, जो कि 3 मार्क्स का है, और इसमें इनको 3 में से 3 मार्क्स पूरे के पूरे दे दिए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा कॉपी खत्म कर दिया। दोस्तों इससे फायदा क्या हुआ देखने का, देखिए देखने का फायदा ये हुआ कि इन्होंने जिस प्रकार लिखा है कॉपी को, ठीक है, कॉपी को जिस प्रकार इन्होंने फुल किया है, इसी तरह से आपको अभी कॉपी को फुल करना है। अब बोलिएगा कि भाई मुझे तो इंग्लिश आता ही नहीं है, आता है ना, पढ़ने तो आता है ना, पढ़ने भी नहीं आता, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी पास हो जाइएगा। कैसे, कुछ दिन मेहनत कीजिए मेरे साथ, और क्या करना है, ये कॉपी जो देख रहे हैं बस इसी तरह से आपको उतार देना है, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, पढ़ के एक भी क्वेश्चन, एक भी लाइन को नहीं छोड़ना है। देख रहे हैं इनका एक भी लाइन छूटा है, यहाँ पे नहीं छूटा है, नहीं छूटा है ना, तो इस तरह से आपको भी मेहनत करना है। यार हम लोग जिस टाइम पढ़ रहे थे ना, उस टाइम गाइड करने वाला कोई नहीं था, ठीक, और अभी आप लोग को इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, यूट्यूब है, फिर टीचर हैं, तो मेहनत कीजिए। फ्री फायर पबजी वगैरह में समय मत लगाइए, वो सब समय को बर्बाद कर देगा। वही रवैया रहा तो मालूम है झारखंड के लोग क्या करते हैं, आज बंगाल तो बिहार तो बेंगलोर तो हैदराबाद काम करने के लिए आपको भी दौड़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। और आप लोग हिंदी मीडियम मतलब जैक बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अमित घर के तो नहीं होंगे, तो पढ़ाई कीजिए दोस्त, और कोई उपाय नहीं है इस गरीबी को निकालने के लिए। पढ़िएगा तो बहुत सारे रास्ते हैं, केवल जॉब करना ही एक रास्ता नहीं होता है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करें। वैसे भी हमारा झारखंड बहुत पीछे है, अगर आप इसी तरह फ्री फायर पबजी में लगे रहें तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, अच्छे से मेहनत करना है। और इसका PDF, ये जो PDF का लिंक है, इसका PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइएगा वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अब से मैं इस चैनल पे जैक बोर्ड के जितने भी कंटेंट होंगे क्लास 8 to 12 के लिए सभी दे दूंगा। यार मैंने भी क्लास अच्छे से मेहनत किया था, मैं स्टेट टॉप का रखता था कि मैं स्टेट टॉप करूंगा, लेकिन स्टेट टॉप नहीं कर पाया था, डिस्ट्रिक्ट में ही अटक गया था। कोई बात नहीं, आप लोग स्टेट टॉप कीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।